अल्लाह अजीज़ तलबा एडवांस ऑडिटिंग के प्रोग्राम के साथ मैं मूँ आपकी होस्ट इमाम अक्रम हमारे साथ मज़र अरशद साहब मौजूद हैं जो कि ऑडिट स्पेशलिस्ट हैं आज हम इनसे यूनिट एट के प्रोग्राम टू आई एस ए फाइव थर्टी पर बात करेंगे जो कि डिस्कस करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग को इनशाला आज का प्रोग्राम आप सबके लिए नहाय मुस्तफ़ी साबित होगा सर मेरा पहला सवाल ये कि इस आई एस ए का स्कोप क्या है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ऑडिटर को कि उसने सैम्पलिंग कैसे करनी है थ्रू पॉपुलेशन सही और सर ऑडिट सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है देखिए होता यह है कि ऑडिटर कभी भी 100 परसेंट पॉपुलेशन नहीं चेक कर सकता तो उसने क्या करना होता है कि वो उस पूरी पॉपुलेशन में से कोई एक सैम्पल उठाएगा जिसको वेरीफाई करके पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करेगा तो वो जो अपना वो सैंपल उठाता है उसको हम ऑडिट सैंपलिंग कहते हैं सही और सर पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है पॉपुलेशन वो ओवरऑल लेजर कह लें आप या ट्रांजेक्शन कह लें जिनका सारों का ऑडिट हो रहा होता है सही सर सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है सैम्पलिंग रिस्क होता है कि जी आपने अपना सैम्पल जो है वो गलत सेलेक्ट किया जिसकी वजह से आपका कंक्लूजन गलत हो गया ये सैम्पलिंग रिस्क है कि जी आपने सैम्पलिंग गलत की जिसकी वजह से आपका जो ऑडिट ओपिनियन है वो गलत हो गया सही और सर नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क ये है कि आपका कंक्लूजन सैम्पलिंग की वजह से गलत नहीं हुआ बल्कि किसी भी दूसरे फैक्टर की वजह से गलत हो गया ठीक तो वो नॉन सैम्पलिंग रेस को सही और सर एनोमली की डेफिनेशन क्या एनोमली होती है कि आपने एक सैम्पल उठाया उसमें कोई एक एक्सेप्शनल चीज निकल आई जो रूटीन मैटर नहीं है एक एक्सेप्शनल है तो वो जो है वो जो जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी तो उसको एनोमली कहते हैं सही और सर सैंपलिंग यूनिट की क्या डेफिनेशन है सैंपलिंग यूनिट वो हर आइटम होता है पापुलेशन के अंदर जो सिलेक्ट किया जा सके एज अ सैंपल वो सैम्पलिंग यूनिट है सही और सर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होती है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आपकी साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं और जिसके अंदर यानी कि दो करेक्टरिस्टिक्स हैं पहला कि आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिजल्ट और दूसरा कि आपकी पापुलेशन में मौजूद हर सैम्पलिंग यूनिट की सिलेक्शन का चांस इक्वल है ठीक है तो ये आपकी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग सही और सर स्टैटिफिकेशन क्या होती है देखें अब होता यह है कि कई बार आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत ह्यूज होती है उस पूरी पॉपुलेशन में आपके पास मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स के जो हैं वो सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं मसलन रिसीवेबल्स हैं उसके अंदर हज़ार हज़ार रुपए वाले रिसीवेबल्स भी हैं उसके अंदर मिलियन प्लस के रिसीवेबल्स भी हैं तो अब मिलियन प्लस का है तो वो सारा रिसीवेबल्स की पॉपुलेशन ना तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि जी, जी अगर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग करेंगे तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी हम मिलियन वाले सैम्पल सेलेक्ट कर लें हम छोटे छोड़ दें या छोटे सेलेक्ट कर लें बड़े छोड़ दें तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप उस पॉपुलेशन की सब पॉपुलेशन बना देते हैं कि जिसके अंदर हर जो आइटम है वो आप जो होमोजीनियस आइटम्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लेते हैं कि जी मिलियन प्लस के आइटम्स की सब पॉपुलेशन एक कर दी पाँच लाख से दस लाख तक की दूसरी कर दी एक लाख से पाँच लाख की तीसरी कर दी अब ये जो आपने पार्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर आपने उन पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं सही और सर टॉलरेबल है, है देखें जब आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो आपने सैम्पल उठाया आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सैंपल के अंदर इतनी अमाउंट था कि मॉनेटरी वैल्यू की रुपीस में कह लें या किसी भी करेंसी यूनिट्स में प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है तो अगर वो जो ऑडिटर की एक्सपेक्टेड लेवल है मॉनेटरी वैल्यू में उसको हम टॉलरेबल मिस कहते हैं इससे ही। और सर टॉलरेबल रेट ऑफ डिफिशन क्या था देखिए टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या थी मॉनिटरी वैल्यू में जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है इसी तरह से ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि मैंने अगर 40 आइटम सेलेक्ट किए तो उसमें दो आइटम्स के अंदर आपके कंट्रोल्स में कोई वीकनेस हो सकती है ये उसका एक एक्सपेक्टेड रेट कह लें कि रेट ऑफ डेविएशन होता है लेकिन अगर वो दो से बढ़ जाए तो ऑडर के लिए रिस्क आ जाता है अब अगर वो पहली चीज है कि उसने मॉनिटरी आइटम्स पे जो सिलेक्शन की वो, है, अब अगर वो पे जो कर रहा है, जिसमें नहीं है, उसके के है कि जी में दो खराब हैं अब वो दो चाहे एक रुपए के हों या एक लाख रुपए के हों वो रुपीज को नहीं देख रहा बल्कि उन नंबर्स को देख रहा है तो वो जो नंबर्स को देख रहा है उसको हम टोलरेबल डेविएशन कहते हैं सही और सर ऑडिटर सैंपल कैसे डिजाइन करता? करता है और आइटम्स करता है टेस्टिंग के लिए देखिए जब आप सैंपल सिलेक्शन करते हैं तो आपको ये तीन चार चीज़ें हैं ये देखनी होती हैं जिनकी बेस पे आप सैम्पलिंग करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी सैम्पलिंग का डिज़ाइन करते हैं ठीक है कि आपने ऑडिट में क्या चीज़ें वेल्यूट करनी है आपने ऑडिट में क्या एविडेंस इकट्ठी करनी है उसकी बेस पर आप जो है अपना सैम्पलिंग का डिज़ाइन बनाते हैं दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो सैम्पल साइज है वो जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था कि वो सफ आपकी एविडेंस की सफिशेंट और अप्रोप्रिएटनेस को सपोर्ट करे सैम्पल साइज पॉपुलेशन में सफिशेंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए और तीसरी चीज़ ये है कि आपने सैंपल को इस जो सैंपलिंग यूनिट है उसको इस तरह सेलेक्ट करना है वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर आपका हर आइटम जो है उसकी सिलेक्शन का चांस इक्वल होना चाहिए ये तीन चीजें आपने जरूर देखनी सही और सर ऑडिटर जो सैम्पल डिजाइन करता है उसको ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म किया जाता है पहली चीज है कि वो आपने उसके ऊपर देखना है कि आपने जो हमने शुरू में पढ़े थे ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्जर्वेशन कंफर्मेशंस वो सारे कौन सा आपने प्रोसीजर लगाना है दूसरी चीज ये है कि आपके कौन से प्रोसीजर्स एप्लीकेबल हैं किस आइटम्स के ऊपर कौन से नहीं एप्लीकेबल अगर एक प्रोसेस किसी एक आइटम पर नहीं हो सकता तो आप उसको रिप्लेस कर दें मसलन आप बैंक बैंक पेमेंट्स का सिस्टम चेक कर रहे थे तो अचानक उसके अंदर आपकी सिलेक्शन में एक वाइड चेक आ गया वाइड चेक वो होता है जो लिखा लेकिन उसके बाद उसको काट दिया गया वो प्रजेंट नहीं हुआ तो अब वाइड चेक जो है वो आपकी सैम्पलिंग का परपज पूरा नहीं करता तो आप क्या करते हैं कि आप उसको प्रोसीजर लगाने के लिए उसको रिप्लेस कर देते हैं या आपके पास एक सेल ऑर्डर आया आपने सेल्स को देखा उस सेल ऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम ये आई कि वो सेल ऑर्डर कैंसिल हो चुका है तो अब वो कैंसिल सेल ऑर्डर जो है वो आपके बाकी सेल आर्डर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो इसलिए उसको आप साइड पे कर देते हैं उसको रिप्लेस करके एक और उठा लेते हैं ये आपने जरूर देखना होता है और तीसरी चीज़ ये देखना होता है कि अगर आप अपना प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी वजह से आपको रोक दिया गया है या आपका स्कोप लिमिटेशन है तो आपने ये देखना होता है कि क्या वजह है कि मैं इसके ऊपर अपना प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकता मसलन आपने कंफर्मेशन भेजनी थी नहीं भेज सके या आपने एक चीज़ की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी थी वो नहीं कर सके तो अगर तो आप अल्टरनेट प्रोसीजर से सेटिसफाई हो जाते हैं दैट्स गुड अगर नहीं होते तो फिर आपने उसका अपनी रिपोर्ट में बैक देखना होता सही और सर ऑडिटर नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन को कैसे आइडेंटिफाई करता है देखें सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि आपने अगर आपके अंदर कोई मिसस्टेट मिसस्टेटमेंट या डेविएशन हुई है तो आपने उसकी नेचर चेक करनी होती है कि ये डेविएशन किस तरह की है क्या ये टॉलरेबल डेविएशन है या जो है ये आपके जो टॉलरेबल लेवल है वो उससे इंक्रीज़ कर गई है तो ये आपने ज़रूर देखना है दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि आपको कोई डेविएशन नजर आई लेकिन वो एनोमली है वो बाकी सारे सैंपल्स के अंदर नहीं है वो एक स्पेसिफिक डेविएशन है तो ऐसी सूरत में ऑडिटर ने ये करना है कि आपने ये श्योर sure करना है क्या ये सिर्फ एक ही सैंपल में आई है कंटिन्यूसली आफ्टर इंटरवल्स तो नहीं आ रही ठीक है तो ये आपने जरूर उसमें फिर हाई लेवल ऑफ केयर करना है और तीसरी चीज जो आपने देखनी है कि अगर आपको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको हाई केयर करनी है कि जिसकी वजह से जिस प्रॉब्लम की वजह से आप एडिशनल प्रोसीजर्स कर रहे हैं क्या वो प्रॉब्लम अभी भी अराइज हो रही है कि नहीं हो रही है सही और सर कौन से फैक्टर सैंपल साइज को इफेक्ट करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखिए जितना सैम्पलिंग रिस्क ज़्यादा होगा आपका सैम्पल साइज उतना ज़्यादा हो जाएगा मसलन अगर आपको रिस्क ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा आइटम्स चेक करेंगे अगर रिस्क कम है तो आप रिस्क कम करेंगे तो ये कुछ सिनारियोज हैं जिसको हम देख लेते हैं कि जी आपके कंट्रोल्स में क्या प्रॉब्लम्स होंगी तो आपका रिस्क हाई होगा या लो होगा हम उनको वन बाई वन देख लेते हैं। पहला ये है ऑडिटर ये कहता है कि उसका जो रिस्क इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड रिस्क है वो हाई है अगर उसका रिस्क हाई है तो उसका सैंपल रिस्क भी सैंपलिंग जो है सैंपल साइज वो भी हाई हो जाएगा क्योंकि उसका रिस्क हाई है वो अपने रिस्क को कम करने के लिए ज्यादा आइटम्स को चेक करेगा ठीक है फिर इसी तरह से अगर आपका टॉलरेबल एरर जो है वो बढ़ जाता है जो आपकी डेविएशन है वो बढ़ जाती है आपने अपना जो पहले रखा हुआ था कि आप कहते हैं कि जी मेरे दो सैम्पल में दो आइटम्स जो है वो डेविएट करेंगे लेकिन फिर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं आप कहते हैं कि नहीं यार आइटम साइज ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है पॉपुलेशन में तो मैं इसको चार पे ले जाता हूं ठीक है जब आप दो से चार पे चले गए इसका मतलब यह है कि अब आप सेटिस्फाइड हैं आपके मुताबिक रिस्क कम है कंट्रोल्स हाई हैं तो आप अपना सैम्पल साइज डिक्रीज कर देंगे ठीक फिर इसी तरह से आप अगर, अगर अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई हो जाता है आपको अचानक पता चलता है कि जनाब हर दूसरा आइटम जो है वो खराब होता जा रहा है आपकी सैम्पलिंग रिस्क हाई हो जाएगा जब आपका रिस्क हाई होगा तो आपका सैम्पल साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा फिर इसी तरह से आपका जो इंश्योरेंस लेवल है वो हाई हो जाता है आप कहते हैं यार इस मुझे जो इंश्योरेंस चाहिए वो बहुत हाई लेवल की इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ही आपका इंश्योरेंस लेवल हाई होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा आपको रिस्क हाई हो जाएगा क्योंकि जितनी आपको ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए होगी आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी तो जितनी ज्यादा चीजें चेक करेंगे आपका सैम्पल साइज उतना इंक्रीज हो जाएगा और इसी तरह से अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर सैम्पलिंग यूनिट्स हाई हो जाते हैं तो इसका सैम्पलिंग के साथ कोई तलक नहीं है सैंपलिंग कालक आपके कंट्रोल्स रिस्क और उन चीजों के साथ होता है सही और सर कौन से फैक्टर साइज को इफेक्ट करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर अगर आप ये कहते हैं कि जी आपका रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो आपका सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा आइटम्स चेक करने पड़ेंगे अगर आप यह कहते हैं कि आप अपने सबस्टांटिव प्रोसीजर्स ज्यादा करेंगे जब सबस्टांटिव प्रोसीजर्स एक से ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो जाएगा तो आप अपना सैंपल लेवल डिक्रीज कर देंगे ठीक है इसी तरह से अगर आपका इंश्योरेंस लेवल हाई हो जाता है तो आपने पीछे भी पढ़ा जब इंश्योरेंस लेवल हाई होगा तो आपको सैम्पल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा और अगर आपका टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो लेवल है वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का वो हाई कर देते हैं आप अपनी सैम्पलिंग में आप कहते हैं कि यार मुझे लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी सौ रुपये तक नहीं है बल्कि दो सौ पे कर देता हूं इसको इसका मतलब यह है कि आपका बाकी रिस्क कम हो गए हैं तो जब रिस्क कम होंगे तो आपका सैम्पलिंग साइज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए और आखिरी चीज़ है कि अगर आप ये फाइंड करते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा है किसी एक पॉपुलेशन में तो उससे रेलेवेंट जो आपका सैम्पल साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा सही और सर ऑडिटर के पास सैम्पल सिलेक्शन के कितने मेथड्स है? होते हैं ऑडिटर के पास नॉर्मली चार तरीके होते हैं सैम्पलिंग सिलेक्शन के पहला तरीका ये है कि रैंडम सिलेक्शन आप अप्रोप्रिएटली अपने नंबर सेलेक्ट करते हैं कि जी आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर लेते हैं साइंटिफिकली कोई मेथड जनरेट कर लेते हैं जिससे आप अपने आइटम्स को उठा लेते हैं दूसरा जो तरीका है वो सिस्टमेटिक वे है सिस्टमैटिक वे में क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी एवरी एंथ आइटम चौथा आइटम उठा लो छठा आइटम उठा लो यानी कि एक छः बारह अठारह जो भी आ रहे हैं उन सैंपल्स को उठा लो ये सिस्टमैटिक वे है तीसरा हैप एजर्ट यानी कि जिसमें कोई मेथड नहीं है, कोई कुछ नहीं है बस जो उठा लिया आपके सामने आ गया, जिसमें कोई नहीं है, ये कि आप जिस तरह हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफिकेशन आप अपनी पॉपुलेशन के ब्लॉक्स बना लेते हैं और फिर हर ब्लॉक में से उसके रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स उठा लेते हैं सही सर थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए होपफुली आज का प्रोग्राम आप सबके लिए नहायत मुस्तवी साबित हुआ होगा इन नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफ़